नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही तंदुरुस्त होंगे, फिट फाट होंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि लिथुआनिया के हवाले से। अगर आप लिथुआनिया जाना चाहते हैं तो लिथुआनिया का करेंट सैलरी क्या चल रहा है, करेंट अभी वहाँ का रूल्स रेगुलेशन क्या है, वहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया आपको वीज़ा मतलब हासिल करने के लिए, वीज़ा मतलब टीआरसी कार्ड मिलता है, कैसे आपको मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो कि सहयोग मिला था, सपोर्ट मिला था, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा इसी वीडियो में मुझे उसी तरह से प्यार अपना जो देते रहिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में जो कि बने रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप माल्टा के लिए देखना चाहते हैं तो माल्टा का भी सैलरी क्या है, माल्टा में जो काम करते हैं वहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे जॉब मिलेगा, किस तरह से आपका जो कि सैलरी मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप माल्टा में जो कि जॉब ढूंढना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास सर्टिफिकेट क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप 10वीं पास है तो कोई भी मैटर नहीं, अगर आप 10वीं फेल है तो भी कोई मैटर नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहता है तो एक प्लस पॉइंट जो कि आपके पास हो जाता है। आप कोई भी काम जैसे किसी से बात कर सकते हैं, किसी ऑफिस में जाकर के एक अच्छा एक अपने जॉब प्रोफाइल को जो कि चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया मैंने एजुकेशन सर्टिफिकेट, सेकंड हमारा आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये बहुत ही बड़ा इसका रोल है दोस्तों, अगर आपको यूरोप में अगर जॉब लेना है, आपको शेंजन कंट्री में अगर आपको जॉब लेना है, तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने से क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी से वर्क परमिट भी जो कि माल्टा का बड़ा आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने एजुकेशन सर्टिफिकेट बता दिया क्या क्या लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बता दिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, सब लोग सैलरी पहले जानना चाहते हैं, एक लोग काम करते हैं सैलरी के लिए, काम करते हैं पैसे के लिए काम करते हैं। अगर हम फैमिली को छोड़ के आए हैं तो पैसे के लिए छोड़ के आए, तो बेसिकली हमें जो सैलरी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक नॉन स्किल्ड वर्कर, जैसे अगर आपके पास कोई हुनर नहीं, अगर आप कोई काम नहीं जानते हैं, तो आपकी सैलरी जो कि लगने वाली है माल्टा में 800 से लेकर के 900 जो कि यूरो। सबसे पहले आपको बता दें माल्टा में जो करेंसी है, माल्टा करेंसी अभी यूरो में चलता है। अगर हम बात करें यूरो में तो एक यूरो जो है इंडिया का 90.35 पैसे जो कि चल रहा है, यानी कि मान चलिए 90 रुपये करेंट जो चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको 800 तक अगर मिल जाता सपोज कीजिए जो कि इंडियन यूरो में, तो आपको बता दिया एक यूरो का 90 रुपये चल रहा, तो करीब करीब 75,000 जो कि यार बड़े आराम से बन जाता है। अगर आपके पास कोई हुनर है, आप किसी आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कोई डॉक्टर हैं या फिर कोई इंजीनियर से, दोस्तों तो आपको वही जॉब मिलने वाला है माल्टा के अंदर आपको 1200 से लेकर 1500 जो कि यूरो के बीच में, समझ लीजिए 1500 मतलब 15-20 लगभग 2.5 लाख रुपये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब इतना इससे कम नहीं होगा, 2.5 लाख से ऊपर होगा, बट 2.5 लाख से कम नहीं होगा। दोस्तों, सैलरी कितना मिलेगा ये आपको बता दिया है। यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात है एज का लिमिटेशन, एज का कोई यहाँ पे बाउंडेशन है, आपको 60 से पहले यानी 60 साल के पहले अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं जो कि जो अगर आप जॉब ढूंढना, जो अगर आप जॉब पाना चाहते हैं माल्टा के अंदर, सबसे पहले ऑप्शन है कि आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन खुद ही जॉब ढूंढ सकते हैं, इससे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। दूसरा जो है कि रिक्रूटमेंट यानी कि जो कंसल्टेंसी होता है, आप कंसल्टेंसी के माध्यम से भी जॉब देख सकते हैं। दोस्तों, आप अगर कहीं अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंसल्टेंसी के माध्यम से, अगर मैं कुवैत में हूँ, अगर मैं कुवैत की बात करूँ या फिर किसी भी गल्फ से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं कुवैत की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कुवैत के लिए 1000 से लेकर के 1200 रुपये लग जाता है, किसी भी नहीं माल्टा, लिथुआनिया, पोलैंड का थोड़ा कम है, क्रोशिया, मतलब ऐसे बहुत सारे जो शेंजन का जो पार्ट है, ठीक है, यूरोप का जो यूरोप है, यूरोप कंट्री है, तो वहाँ पे 800 से कम कहीं पे भी नहीं लग रहा। मैक्सिमम जो है कि मतलब अमेरिका, जर्मनी, ये सब की बात नहीं कर रहा, जो मीडियम जो यूरोप कंट्री है वहाँ की बात कर, 1000-1200 रुपये लग जा रहा। अगर आप माल्टा का अप्लाई करते हैं कुवैत से, तो आपको 1200 से 1300 के अंदर ही लग जाएगा दोस्तों। अगर आप अप्लाई करते हैं दोस्तों जो है कि किसी भी रिक्रूटमेंट के थ्रू, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यहाँ का सिविल आईडी देना, पासपोर्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। सब कुछ देने बाद आपको जैसे आपका परमिट, वर्क परमिट मान के चलिए आपका जैसे सब कुछ सबमिट हो गया, तो मुझे लगता है 2 से 2.5 महीने के अंदर, मतलब 2 से 3 महीने भी लग जाता है, 3 से 4 महीने भी लग जाता है, लेकिन आपका वर्क परमिट आता है। जैसे आपका वर्क परमिट आता है तो दोस्तों क्या होता है, जो भी आप जिसका अपना काम करवा रहे हैं, वो लोग आपका एक जो कि अपॉइंटमेंट, VFS का जो अपॉइंटमेंट होता है, तो वहाँ पर जाकर अपना अपना आपका अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उस अपॉइंटमेंट में आपको जा क्या करना है, VFS यानी कि जो वीसा फैसिलिटी सर्विस होती है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये वीसा फैसिलिटी सर्विस क्या करती है, एम्बेसी को हेल्प करती है, काफ़ी ज़्यादा जो सपोर्ट करती है
वीसा को अप्रूव होने में। तो दोस्तों वहाँ पे सब कुछ आपका जो VFS जो सिस्टम है ये सब कुछ आपका जो कि चेक करके वेरीफाई करके सब कुछ आपका ओके रहा तो आपका 1 से 2 महीना मतलब एक मतलब 1 से 2 महीना नहीं 7 to 20 days के अंदर आता, बट किसी किसी का लेट हो गया तो 1 month मैक्सिमम जो लग जाता दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी लोग जाना चाहते जो भी लोग इच्छुक हैं किसी भी यूरोप कंट्री में तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि वीज़ा मैक्सिमम नहीं लगता, आप लोग जानते हैं सब वीज़ा किसी किसी का लगता है। अप्लाई सब लोग कर सकते हैं और अप्लाई अगर 100 लोग करते हैं तो 100 मान के चलिए 90-95 लोग कई बार परमिट आता है, किसी किसी का नहीं भी आता। और मैं ये डेफिनेटली नहीं बता सकता हूँ कि ऑफिस वाले गलती करते हैं, अगर आपके प्रॉब्लम आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है, लेकिन आपका वर्क परमिट आने के बाद आपको 3 से 4 महीने के अंदर आपका फ्लाइट हो जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों पैसा इंडिया से कैसा लगता है, कितना पैसा लग जाता है। अगर आप इंडिया में अगर आप इंडिया में अप्लाई करते हैं किसी भी कंसल्टेंसी के माध्यम से तो आपको 3.5 से 4 लाख रुपये लग जाएगा। और एक चीज़ और, आपकी गारंटी भी नहीं है कि आपका वर्क परमिट आ जाए, वर्क परमिट आ भी गया तो आपका VFS को फेस करना पड़ेगा, वहाँ पर इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। इंटरव्यू देने के बाद कोई कन्फर्म नहीं है आपका जो कि वीज़ा लग जाए, इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता, सब लोग पास होते हैं। ये डिपेंड करता है जो एम्बेसी वाले होते जो VFS के ऑफिसर्स होते हैं आपसे किस तरह सवाल जवाब पूछते हैं, उनको क्या पसंद आता नहीं पसंद आता है, आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग है नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने लगाया, जो भी आपका डम्मी टिकट है, जो भी आपका सब कुछ मतलब है, जो भी उसका आपका जो बोलते हैं इंश्योरेंस आपका बॉडी जो वहाँ का माल्टा का है वहाँ उतना का जो चेकलिस्ट में रहता है यूरो जो उतना चेक जितना यूरो जो कि कवर करता नहीं करता, ये सब आपको अगर उसको सही मिला तो आपको वीज़ा डेफिनेटली लग जाएगा दोस्तों। मैं तो करूँगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें यानी कि ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको ये मेरा वीडियो जो कि आपके पास पहुंचे, नोटिफिकेशन के पास माध्यम से पहुंचे, आपको बहुत सर हेल्प हो दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, देख कर अपना ध्यान रखें, अपने छोटे भाई को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।